हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। स्टेनोग्राफर पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या सावधानियां बरतें हैं उससे रिलेटेड है। और इसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इस बारे में कि जब आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है, और DV से लेके अटेस्टेशन फॉर्म का जो प्रोसेस होता है, मेडिकल का प्रोसेस होता है, और मेडिकल आपके होम डिस्ट्रिक्ट से करवाया जाएगा या फिर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाएगा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप SSC स्टेनो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। सपोज दैट आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास ही आए हैं, क्योंकि जो आपके मार्क्स आते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो काफ़ी, ठीक है, +10 के ऊपर ही रहती है, कभी कभी 15+ भी आती है। वो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन स्किल टेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कट ऑफ कितनी हाइक कर सकती है। तो अगर आपकी कट ऑफ के आसपास ही मार्क्स हैं तो आप ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करें जिनको लोग कम वरीयता देते हैं, जिसको लोग कम प्रेफरेंस देते हैं। तो आप लोग कहेंगे ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो मेरे पास एक लिस्ट है। अभी तो 2022 वाली नहीं आई है, फिर भी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको शेयर कर देंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आता किस तरीके से है। ओके, तो जिन लोगों ने SSC स्टेनो डी का स्किल टेस्ट दिया होगा वो सी वाला कोई भी कॉलम नहीं भरेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपका जब DV होगा तो वो क्रॉस करवा दिए जाते हैं। आपकी भी DV एक ही बार होगा, पहले 2 बार होता था, तो जो फर्स्ट DV होता था उसके पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिए जाते थे। तो हो सकता है आपको ऑनलाइन सबमिट करवानी हो, इस बार बोला जाए क्योंकि काफ़ी फास्ट मोड में सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है। तो अगर आपने डी का स्किल टेस्ट दिया हो देन ओनली डी वाली जो कोड होते हैं ना, D10, D11, D12, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। हम शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा कैसे कैसा होता है। तो आप केवल डी का ही भरें, और अगर आपका सी का भी स्किल टेस्ट हुआ हो, कितने भी नंबर हो, डजेंट मैटर, तो आप सी और डी दोनों को ही आपके अकॉर्डिंग चॉइस दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास ही, मतलब आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि फाइनल में होगा कि नहीं होगा, तो आप वो डिपार्टमेंट चूज़ करें जो कि लोग कम चूज़ करते हैं। इसमें चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है आपसे ज़्यादा वाले का ना हो और आपको जाए। मान लीजिए कोई एक एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे लिखा इंडियन कोस्ट गार्ड, सपोज दैट, ठीक, बाकी कोई उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, बट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, तो हो सकता है आपको वो मिल भी जाए। और अगर आपको लगता है आपके मार्क्स अच्छे हैं देन आप अपनी चॉइस का भर सकते हैं। चॉइस अब किसी को डेली बेस्ड चाहिए, जैसे मान लो बहुत से लोगों को पसंद होता है कि वो डेली में जॉब करें, तो वो डिपार्टमेंट आप चूज़ करिए जिनका हेडक्वार्टर है वो जनरली डेली में होता है। जैसे मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, ठीक है, सी के लिए जैसे आपको बताते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस हैं, तो जनरली इनके क्या होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, तो इनके हेडक्वार्टर जो दिल्ली में होंगे तो आपकी हो सकता है पोस्टिंग वहीं पे होगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप होम स्टेट में रहना चाहते हैं तो बहुत सारी, मतलब जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है तो अपने होम स्टेट में तो नहीं होगा ना उसका कोई हेडक्वार्टर, ठीक है। तो अगर आप होम स्टेट चाहते हैं तो ऐसी चॉइस भरें जिसकी वैकेंसी अपने होम स्टेट में भी हो सकती है, जिनके ऑफिस हमारे होम स्टेट में भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा किस में कितनी वैकेंसी हैं, तो हाँ, ये स्टेनो का थोड़ा ड्रॉबैक है कि वैकेंसी आपको नहीं पता चलती हैं। अभी क्या हुआ था, 2019 में ऐसा नहीं था, बट 2020 में जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आए थे तो उसी के साइड में जैसे राजभाषा विभाग लिखा हुआ, मेरे सामने स्क्रीन में राजभाषा विभाग लिखा हुआ है, तो उसी में ये भी लिखा था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो ये बहुत अच्छा होता है, अगर इस बार भी ऐसा होता देन आपको सामने सामने दिखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे मैंने IRTI लगाया हुआ, अगर उसका रिप्लाई आता है देन उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप किस जगह पोस्टिंग चाहते हैं उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं किस कौन से डिपार्टमेंट का कहाँ पे ऑफिस है। थोड़ा टाइम लगता है, हर हर कोई ऐसे नहीं भर देता है। मैंने भी ऐसे काफ़ी खोजबीन की थी कि और किसका कहाँ ऑफिस होता सोच सकता है कहाँ पे मुझे भरना चाहिए। तो पहली बात, अगर आपकी कट ऑफ के आसपास है देन वो भरिए जो नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि
ऐसे कौन कौन से जनरल लोग नहीं लेते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, और एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर हो गया। ये बहुत सारी ऐसी हैं जो जनरली लोग नहीं चूज़ कर रहे होते अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, फूड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो जनरली लोग साइड में रखते हैं, उसको लास्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आप उसके आसपास हैं, कट ऑफ के आसपास, तो आप उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दें। दूसरा, अगर आप दिल्ली जॉब करना चाहते हो, दिल्ली बेस्ड जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा। जैसे आपके पास लिस्ट आएगी, क्योंकि हर साल क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में वैकेंसी होती हैं, किसी ईयर में नहीं होती हैं। तो अगर मैं ये 2020 की मेरे पास लिस्ट है, सॉरी फाइनल ऑप्शन फॉर्म 2018 का है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने सामने खोल रखा है, तो उसमें हो सकता है कि जो लिस्ट है वो आपका जो आएगा वो नहीं होगी। 2019 में मैंने जब भरा था, उनमें से कोई ये कुछ चीज़ें नहीं थी, तो वेरी कर सकता है। तो दो चीज़ें हो गई, आपकी कट ऑफ, देन प्लेस ऑफ योर जॉब, ठीक है। तो दिल्ली चाहे तो ऐसी कोई मिनिस्ट्री भरें या डिपार्टमेंट भरें जिसमें आपका सिलेक्शन हो और आप दिल्ली पोस्टिंग मिलने के चांसेस हो। तीसरी बात है वर्क प्रोफाइल। तो हर डिपार्टमेंट का वर्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स में आपको 5 डे सर्विस, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ। पोस्टल में नहीं है, पोस्टल में आपका सैटरडे को जाना पड़ेगा, संडे ऑफ होगा, ओके। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मेरा जो सोचना था, मुझे इनकम टैक्स और ये जो CBDT CBIC में चॉइस जो फर्स्ट सेकंड बननी थी, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी मुझे। तो जनरली क्या होता है, जो CBIC हैं वो साउथ इंडियन में उसकी वैकेंसी ज़्यादा निकल रही होती हैं, और CBDT की ऑल ओवर इंडिया होती हैं। तो उस टाइम तो मतलब जो वैकेंसी थी वो मेरे आसपास के एरिया में काफ़ी थी, जैसे कानपुर में ज़्यादा थी, उससे कम भोपाल में थी। तो ये चीज़ें पता चल रही होती हैं आपको, तब अच्छा लग रहा होता है भरने में, मतलब हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। पर अगर ओपन नहीं है तो आप गूगल करें या आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, आप कभी भी, आपको मतलब आप देख रहे होते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो उसका वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, लेट नाइट भी हो सकता है, और मतलब स्टेबिलिटी कम होती है, ओके। जैसे रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दैट इज़ कूल, मतलब काफ़ी अच्छी है, बट इसमें भी आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है, ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। बट कुछ लोगों को रेलवे डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, देन आप उसको चॉइस दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये भी अच्छी मिनिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये थोड़ा सा इसका वर्क प्रोफाइल नॉर्मल सी बात है, थोड़ा टफ होगा, हेक्टिक होगा, और अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। और जैसे लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसको भी लोग, बहुत सारे लोग चॉइस दे रहे होते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, GST भी अच्छा है, इनकम टैक्स का भी वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। हाँ, सर्च वगैरह में आपको जाना पड़ सकता है, बट ये नहीं कि पूरे साल आप सर्च ही कर रहे होते हो, वो भी अपना एक अलग अनुभव है। तो ये तो मैंने डी की बताई, ठीक है, स्टेनोग्रेड डी और सी में अलग अलग निकल रही होती हैं। अगर आप सी सी का भी आपने स्किल टेस्ट दिया है और आपका नाम आता है, भले ही आप फाइनल में जाते हैं या नहीं, तब भी आप सी का जरूर भरें, और कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें, ये इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है आप जो छोड़ रहे हो, क्या पता वही आपको मिलने वाला हो, तो आप कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने सी ओ डी दोनों का स्किल दिया हो, तो सी ओ डी की सभी जो भी कोड्स हैं, यानी कि पोस्ट कोड हैं, वो सारी भरें। और अगर आपने डी का स्किल टेस्ट दिया हो, तो डी की कोई भी, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आप भरना ना भूलें, लास्ट तक आपको ज़रूर भरना है। तो ये तीन चीज़ें आपको बताई मैंने कि वर्क प्रोफाइल को देख के आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, और आप कहाँ पे अपनी सर्विस देना, कहाँ पे जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके हिसाब से भी आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। और तीसरी बात, कट ऑफ के बारे में मैंने बताई, और अगर आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, देन आपको जो बेटर लगेगा वो आप भरें। कोई भी इंसान आपको हर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं, मुझे क्या पता कि जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है या पार्लियामेंट या अफेयर है, उसमें क्या वर्क प्रोफाइल होगा। तो हर किसी का अलग अलग, उसका जो डिपार्टमेंट होगा, वो जिसमें जॉब कर रहा होगा, उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। बट जो मैंने बात ध्यान में रखी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते हुए, वो मैंने आपको शेयर किया।
तो आप अलग अलग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेनोग्राफर हैं जो पार्लियामेंट या फेयर में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो रेलवे में होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में होंगे, तो ऐसा करके आप यूट्यूब या गूगल सर्च करके पूरी इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास, अपनी चॉइसेस को भी रखिए, दोनों को कंपेयर करिए, देन भरिए। और अगर वैकेंसी ओपन हो जाती है, आपको पता चल जाता है किस डिपार्टमेंट कितने रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जैसे आरटीआई का जवाब मिलेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई थिंक आपको कुछ हद तक ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको पोस्टमेंट फॉर्म किस तरह से भरनी है। और सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम सुन के मत भर दीजिएगा, जैसे कि NIA है, इन्वेस्टिगेशन वाला है डिपार्टमेंट है, CBI वगैरह में अगर निकल रही है तो आप उसको भर देंगे कि वाह अरे वाह क्या नाम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम नाम में ही अपनी निजी नहीं काट सकते। एक बार आपको जो डिपार्टमेंट मिल गया होता है, हो सकता है आपका दोबारा चांस ना मिले, आप तैयारी नहीं करना चाह रहे हो, आपकी एज हो चुकी होगी, फिर आप नहीं चेंज कर सकते। तो काफ़ी ध्यान से भरना होगा, ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा जिसमें वर्क थोड़ा कूल हो और आप अच्छा महसूस करें। तो मेरे हिसाब से तो इनकम टैक्स बेस्ट है, सीख भी रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है, सैटरडे संडे ऑफ है, और क्या चाहिए। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल गया होगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म की जो पहली वीडियो थी, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है कि कितनी कॉपी लगती है, कितनी नहीं लगती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कितनी कॉपीज ओरिजिनल चाहिए या उसकी फोटोकॉपी, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं।